पहली बार हमारे को 47 मिले, इस बार 40 मिले, कोई बात नहीं, हम हारे नहीं। ये हरियाणा की परंपरा रही है कि पहली बार की निस्बत दूसरी बार थोड़ी घाट वोट लेती है, लेकिन तीसरी बार क्या हम वो 45 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, इसके बारे में हमारे को जरूर सोचना चाहिए। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने रखा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने जो रखा है, इसके अंदर मैं सिर्फ दो चीजों का सुझाव देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का साया हम पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, उनके मंत्रियों का साया हमारे पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, जो रूपाला साहब भी खुद बोलकर गए जो उनके करीब थे हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मंशा होगी शायद कि मोदी जी के नाम के ऊपर हम वोट देंगे भाई प्रदेश के अंदर भी, तो एक कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और हम काम करें जिले के अंदर करें क्या अफसरों के माध्यम से करेंगे, जिन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को पनपाने की, उनकी सुनी ना जाए और अफसरशाही की सुनी जाए तो ये कितने दिन चलेगा। हमारे को तो पार्टी वाले वो नहीं पन पाया है, पार्टी का ही नेता हमारा प्रधानमंत्री बना है, और मेरा तो गुजारिश यही है कि अगर कभी किसी भी जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर, पन्ना के ऊपर, पन्ना प्रमुख के ऊपर या जो दूसरे पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर अगर कभी तुलना करनी पड़ जाए तो हमारे वर्कर की बात अव्वल होनी चाहिए, अफसर की नीचे होनी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।